अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज ब्लॉग इज़ अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट, क्लाउड्स, एंड ये जो मसाला है वो है शामी कबाब का। ये बना रही थी मेरी मामा, इसके अंदर पोटैटोज एंड मीट एंड स्पाइसेस वगैरह ऐड हुए हुए थे। यहाँ पर कोयला, इसमें बारबेक्यू का दम होगा तो इसकी वजह से कोयला मामा ने रखा हुआ था। मतलब ये मामा का ही प्रोसेस है, मामा ही बनाएंगी। एंड या मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। खैर, यहाँ पर आज जो बन रहा है, जो मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है प्लेन केक। प्लेन सॉफ्ट फ्लफ़ी एंड स्पंजी केक, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, इतना मज़े का प्लेन केक है। बेकरी स्टाइल में बनाऊँगी, बेकरी से भी बहुत ही अच्छा बनेगा ये केक। ठीक है, बहुत ज़्यादा दावे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन यार नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने विनेगर में दूध डाल देना है, दूध में विनेगर डाल देना है। ठीक है, 4 टेबल स्पून मिल्क लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल कर उसको साइड पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद हम हमारा आ जाता है मेन प्रोसेस। एक बॉल लेना है, उसके अंदर एग डालना है, उसके अंदर शुगर डालनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अंडे का केक बना रही हूँ। ठीक है, आप लोग क्वांटिटी डबल ट्रिपल ट्रपल जो भी करनी है कर सकते हैं। अच्छा, शुगर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 8 टेबल स्पून। ठीक है, आप लोग जितना मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठा और जो नमक होता है वो हर घर का अपना अपना होता है, तो जितना मीठा आप लोग के घर वाले बर्दाश्त कर सकते हैं और आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो उतना ही मीठा ऐड कीजिएगा। ठीक है, देन वी हैव टू मिक्स इट अच्छे तरीके से विथ फॉर्क। ना सबसे पहले फॉर्क से मिक्स करना है, उसके बाद बीटर से बीट करना है। ठीक है, ताकि पहले मिक्स हो जाएं चीज़ें दोनों और फिर हम बीट करेंगे, तो इससे ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड फ्लफ़ी एंड बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये मिक्सचर हो जाएगा, और ये मिक्सचर साइज़ में भी डबल इन हो जाएगा। ठीक है, डबल इन साइज़ हो जाएगा, इसकी क्वान्टिटी डबल हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। बीट होगा तो फिर अंडे की स्मेल भी, मतलब वो हट जाएगी। फिर उसके लिए तो हम वनीला एसेंस वगैरह और डालेंगे। खैर, यहाँ पर अब हम इसको बीट 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 करते हैं। मतलब कितनी देर बीट करना है आप लोगों को, इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बीट करना है, जब तक ये इस तरीके से फ्लफ़ी ना हो जाए ना, बिल्कुल क्रीमी कस्टर्ड जैसा। ठीक है, येलो कस्टर्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ना हो जाए ना, तब तक आप लोगों ने इसको बीट करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 3 टेबल स्पून ऑयल। आप लोग ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं, बटर को पहले मेल्ट कर लीजिएगा एंड फिर उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वापस से इसको अच्छे तरीके से बीट करना है एंड इस प्रोसेस में वनीला एसेंस भी फ्यू ड्रॉप्स डाल देने हैं आप लोगों ने। ठीक है, फिर वापस से इस मिक्सचर को बीट करना है एंड उसके बाद इस मिक्सचर को हम लोग ने मतलब के रख देना है, क्योंकि ये लिक्विड जो हमारा पार्ट था वो हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए फ्लोर। यहाँ पर मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, ठीक है, और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी एंड बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों मिला के 1 टीस्पून। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, इस तरह से नेट का कोई छाननी ले लेनी है, उसमें छान कर डालना है ताकि बिल्कुल फ़ाइन इसके ग्रेन्यूल्स हो जाएं और कोई लम्स ना बने केक में। तो आप लोग ने बस अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को छान लेना है। ठीक है, अगर आप लोग चॉकलेट केक बना रहे हैं तो जो फ्लोर 1 कप है वो 1/2 कप फ्लोर और 1/2 कप फिर कोको पाउडर, ठीक है, इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर प्लेन वनीला केक बना रही हूँ तो कोको पाउडर का कुछ इंक्लूड है ही नहीं इसमें, लेकिन अगर आप लोग कोको पाउडर ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। फिर आप लोग 1/2 कप मैदा और 1/2 कप कोको पाउडर ऐड कर लीजिएगा, या फिर मतलब जितना भी आप लोग को कोको पाउडर ऐड करना है ना, फिर उतना जो फ्लोर है ना वो लेस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने एक साथ इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लिया। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फोल्ड करना है, ओवर मिक्सिंग इस पॉइंट पर नहीं करनी है, बीटर तो बिल्कुल भी इस पॉइंट पर नहीं चलाना। जो लोग इस पॉइंट पर बीटर चलाते हैं ना, फिर वो मिल्क शेक बन जाता है, वनीला मिल्क शेक, फिर आप लोग उसको पी जाइएगा। खैर, ये वाला जो कच्चा पेस्ट होता है ना, बहुत 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 यमी होता है। मतलब है ना, इस तरह से फोल्ड करते करते ना फिंगर से लेप करना खा भी सकते हैं। ये भी प्रोसेस में इंक्लूड कर दीजिएगा, बहुत मज़े का होता है। ठीक है, एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, दिल चाहेगा यही खा लें। अगर ये पेस्ट मज़े का होगा ना तो केक भी मज़े का ही बनेगा, मतलब ऑब्वियसली इसी का ही केक बनेगा।
इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोगों ने फोल्ड कर देना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। इस तरीके से जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, वैसे फोल्ड करते रहना है। जब ये फोल्ड हो जाएगा तो इस पॉइंट पर जो सबसे पहले हम लोगों ने बटर मिल्क रेडी किया था ना, मिल्क और विनेगर के साथ, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ग्लेज लुक आए, शाइनी लुक आए, बहुत ही ज़्यादा शाइन करे हमारा केक, यू नो, वार्निश ऐड कर रहे हैं हम लोग, अगर पेंटिंग की ज़बान में बोलें तो। कंसिस्टेंसी में आप लोगों का बैटर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लोग अगर ओवन पर बना रहे हैं तो ओवन पर बेक कर दीजिएगा, चूल्हे पर बेक कर रहे हैं तो चूल्हे पर बेक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बेक हो चुका है। अच्छा, 45 मिनट्स में ये बेक हुआ था, ठीक है, 40 to 45 मिनट्स, मतलब आप लोग 35 मिनट और 40 मिनट के बाद है ना फॉर्क या कोई भी टूथपिक वगैरह डालकर देख लीजिएगा, अगर वो बाहर मतलब उसके अंदर केक का मिक्सचर नहीं लगा हुआ हो तो मतलब वो सही तरीके से कुक हो गया है, ठीक है ना। मतलब ये वाला केक जो फाइनल लुक थी, केक की फाइनल लुक थी ये, एंड केक रेडी हो चुका है। एंड कट करते हुए भी मैंने वीडियो बना रही थी लेकिन मसला ये हो गया था वीडियो ऑन नहीं की थी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस इसकी चेक करें, इतना कोई मज़े का था, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, अंदर से बहुत ही ज़्यादा यम था। आप लोग इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का केक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मज़े का केक था, ठीक है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। खैर, मैंने आज अपने दिन में केक बनाया था तो मैंने सोचा मैं यही दिखा देती हूँ, एंड ये थी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, एंड अगर आप लोग ये केक ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।